काफी तगड़ा सा लेग स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत हाई पिकअप नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्चुअली आपको यहाँ पे नया मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2023 होंडा डियो डीलक्स वेरिएंट के बारे में। और फाइनली डियो के अंदर काफी सारा अपडेट आ चुका है, काफी सारा इन द सेंस E20 और OBD2 छोड़ के भी और भी काफ़ी सारा अपडेट आया है। क्या क्या अपडेट आया है, कितना अपडेटेड ऑन रोड प्राइस है, कितना कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है, कितना वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, क्योंकि इसमें अभी आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिल रहा है, तो क्या क्या वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, कितना माइलेज आपको स्कूटर से मिल सकता है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा कोलकाता, आप अगर वेस्ट बंगाल के कोलकाता हुगली हावड़ा से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो पार्ट शुरू करते हैं। ओके, तो अभी न्यू 2023 डियो में टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलता है। एक है आपका स्टैंडर्ड वेरिएंट, एक है डीलक्स वेरिएंट। ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख पा रहे हो ये है डीलक्स वेरिएंट। इसका एक टॉप मॉडल आता है विच इज 8 स्मार्ट। तो एक्टिवा 8 स्मार्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो वैसा ही 8 स्मार्ट डियो में भी लॉन्च कर दिया है होंडा ने। तो टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलता है। कलर स्कीम की अगर बात करें तो डीलक्स वेरिएंट में आपको टोटल 3 कलर स्कीम देखने को मिलता है। ये जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये है आपका मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक। ये कलर स्कीम आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। इसको छोड़ के डेजल येलो मेटालिक, मैट संगड़िया रेड मेटालिक, टोटल 3 कलर वेरिएंट ऑप्शन अभी आपको ये डीलक्स वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। तीनों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। अपडेट क्या क्या मिल रहा है वो मैं वॉक अराउंड के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बट प्राइस पहले मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस आपको बता रहा हूँ, मतलब डियो का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो है 89,314 रुपीज़ से। इसका अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस स्टार्ट हो रहा है कोलकाता में स्टैंडर्ड वेरिएंट का। और डीलक्स ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख पा रहे हो ये है डीलक्स वेरिएंट। इसका अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 78,808 रुपीज़ अप्रोक्स इसका एक शोरूम प्राइस कोलकाता। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 93,721 रुपीज़ अप्रोक्स इसका ऑन रोड प्राइस है। और इसका जो टॉप मॉडल है मतलब 8 स्मार्ट वेरिएंट उसका प्राइस है 97,578 रुपीज़ अप्रोक्स ऑन रोड कोलकाता प्राइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूटर का चाबी से। तो चाबी यहाँ पे आपको नॉर्मल की मिलता है होंडा के ब्रांडिंग के साथ। हेडलाइट सेटअप में कोई भी बदलाव नहीं है, ऑल रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप यहाँ पे दिया गया है। चलिए एक बार इग्निशन को ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन करके मैं एक बार इसका हेडलाइट सेटअप भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो सामने में इसका DRL आपको यहाँ पे जलता हुआ दिख रहा होगा। ये यहाँ पे आप DRL देख पा रहे हो। उसके साथ साथ इसका जो मेन हेडलाइट सेटअप है वो भी ऑन हो जाता है इग्निशन ऑन करने से। अभी लो बीम ऑन है, नीचे जो है इसका हाई बीम है। ऑल रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साइड में आपको बल्ब ब्लिंकर्स भी दिख रहा होगा। और ये स्कूटर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ओनली 103 kg इसका वेट है। मैक्सिमम पार्ट जो है आपको फाइबर बॉडी में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है। होंडा का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो नॉर्मली इस काइंड ऑफ स्कूटर में आपको नहीं देखने को मिलता है, वो है एरोडायनामिक डिज़ाइन। ये साइड से आप कट्स देख पा रहे हो, ये जो साइड कट आप देख पा रहे हो ये एक्चुअली टोटली आप इस पार उस पार यहाँ पे देख सकते हो। ये आप देख पा रहे हो ये एक्चुअली आई गेस डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि स्कूटर का वेट जो है काफ़ी लाइट वेट है, तो आई गेस ये डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एरोडायनामिक डिज़ाइन जो है होंडा ने दिया है। और यहाँ पे आपका स्कूटर का नंबर प्लेट फिट होगा। और ये आपका फुल्ली मैट मेटालिक कलर है। उसके साथ साथ फाइबर का मडगार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पे दिख जाएगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। और ये आपका ड्रम वेरिएंट के साथ ही आता है। तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यहाँ पे है स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। CH जूम का टायर है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 90x90 12 inches का टायर यहाँ पे दिया गया है। आपका ट्यूबलेस टायर है। ये आप रिम आप देख पा रहे हो, ये आपका स्टील रिम मिलता है। कोई भी अलॉय व्हील यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता, बट ये आपका ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस कैसे पता चल रहा है ये आप देख पा रहे हो, ये जो रबर दिया गया है इसी से आपको पता चलेगा ये ट्यूबलेस है कि आपका नॉन ट्यूबलेस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बार मैं साइड प्रोफाइल आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे फुट फ्लोर की अगर बात करें तो फुट फ्लोर भी स्पेसियस है। वैसे मैं एक बार लास्ट में इसका राइड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक बार पैर रख के मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हो फुट फ्लोर जो है ठीक ठाक स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। सामने में थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक बॉटल 1 लीटर का बॉटल जो है इसके अंदर आप रख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बड़ा अपडेट क्या मिला है। सबसे बड़ा अपडेट जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। पहले डियो में ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नहीं देखने को मिलता था। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख पा रहे हो ये आपका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें काफ़ी सारा फीचर्स दिया गया है, लाइक यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर शो कर रहा है। इधर दोनों साइड पे आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बेसिकली आपका ट्रिप मीटर, उसके साथ साथ टाइम शो करेगा, फ्यूल गेज शो करेगा, इंस्टेंट आपको कितना फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है वो देखने को मिलेगा।
एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, उसके साथ साथ रेंज मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी वो भी आपको देखने को मिलता है। टोटल ओडोमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इनफैक्ट सर्विस रिमाइंडर भी यहीं पे दिया गया है। सर्विस रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आप देख पा रहे हो सर्विस रिमाइंडर का सिग्नल वहाँ पे जलता हुआ आपको दिखा। उसके साथ साथ टेल टेल लाइट्स की अगर बात करें तो साइड में आपको यहाँ पे इंडिकेटर का सिग्नल मिलता है, इधर हाई बीम का सिग्नल ठीक ऊपर में है, हाई बीम का सिग्नल यहाँ पे आपको इंडिकेटर का सिग्नल दिया गया है। इस एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है, और नॉर्मली इको लाइट जो है ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको मिलता है इंजन मालफंक्शन का सिग्नल, अभी धूप थोड़ा है आई गेस आपको तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्टॉप इसी में आपको मिल जाता है। वैसे इसमें आपको साइलेंट सेल मोटर दिया गया है, तो ये आप सुन पा रहे हो, सेल्फ का कोई भी साउंड नहीं होगा। वैसे एग्जॉस्ट नोट एक बार मैं आपको सुना दे रहा हूँ, साइलेंट सेल मोटर यहाँ पे आपको मिलता है, होंडा का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इधर आपका हाई बीम लो बीम इसी में आपको पास स्विच मिलता है, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न जो है डेफिनेटली लाउड है। दिस इज द रियर ब्रेक लीवर, दिस इज द फ्रंट ब्रेक लीवर एंड पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हो पार्किंग ब्रेक लीवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। साइज स्टैंड विद साइज स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो आपको एक्सेसरीज के दौरान लेना पड़ता है। मिडिल स्टैंड आपको स्कूटर में देखने को मिल जाएगा, और स्कूटर का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 765 mm इसका सीट हाइट है, और यहाँ पे आपको टोटल दो हुक मिलता है, इधर भी एक हुक दिया गया है, उसके साथ साथ सामने में यहाँ पर भी एक लगेज हुक देखने को मिलता है। सीट की अगर बात करें, सीट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और सीट बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, नॉर्मली 125 cc में जैसा सीट मिलता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग सीट नहीं है। एक्टिवा से थोड़ा सा मेरे को छोटा सीट लग रहा है, बट सीट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइडर और पिलियन जो है कंफर्टेबली इस स्कूटर में राइड कर सकते हैं। एक बार मैं सीट को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्विच मिलता है सीट को ओपन करने के लिए, और फ्यूल लेट को भी ओपन करने के लिए आपको स्विच मिलता है। तो जैसे आप सीट को ओपन करोगे तो ये आप अंदर का स्पेस देख पा रहे हो, एक हाफ साइज हेलमेट जो है इसके अंदर आराम से आ जाएगा। फ्यूल लेट जो है बाहर की तरफ है, तो टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार सीट जो है ओपन करना नहीं पड़ेगा। 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज की अगर बात करें तो 45 से 50 kmpl का माइलेज इस स्कूटर से आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ पीछे में आपको यहाँ पे बल्ब टेल लाइट दिया गया है विथ बल्ब ब्लिंकर्स के साथ। स्प्लिट ग्रैबरेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक जो है यहाँ पे आपको मिलता है। बट ये बंद क्यों नहीं होता है? पता नहीं है, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है तब जाके ये बंद होता है। और यहाँ पे आपको E20 का स्टिकरिंग दिख रहा होगा, मतलब ये स्कूटर जो है अभी E20 फ्यूल को जो है सपोर्ट करने वाला है। तो नॉर्मली आप E20 फ्यूल भी डाल सकते हो, नॉर्मल फ्यूल से भी जो है ये स्कूटर आराम से चल सकता है। पिलियन फुटरेस्ट जो है आपको यहाँ पे रबर कोटेड पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ इसमें OBD2 का भी अपडेट जो है मिल चुका है। रियो का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ इंजन के बारे में बात करते हैं तो ये आपका सिंगल सिलेंडर एयर कूल V6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसमें अराउंड आपको 7.85 PS की पावर मिलती है और 9.03 Nm का टॉर्क मिलता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है आपको पता ही है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा और सेल्फ स्टार्ट तो इसमें आपको मिलता ही है। सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। और ये जो शॉकर का अब स्प्रिंग देख पा रहे हो, ये पहले ब्लैक कलर में आता था, अभी ये रेड कलर में दिया गया है। होंडा का बैजिंग आपको इंजन के ऊपर दिख रहा होगा। पीछे में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। C8 जूम का टायर है। टायर प्रोफाइल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी ट्यूबलेस टायर ही है। 90x110 inches का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्टील व्हील आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ एग्जॉस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एग्जॉस्ट का बाहर में एक्चुअली आपको एक मेटल का कवर मिलता है, तो एग्जॉस्ट जो है फुल्ली प्रोटेक्टेड है। पीछे से इसका लुक आप देख पा रहे हो, और नंबर प्लेट का जो लाइट है वो आपको यहाँ पे बल्ब में नंबर प्लेट का लाइट मिलता है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओवरऑल स्कूटर आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। मिरर जो है नॉर्मली आपको होंडा का बाइक या फिर स्कूटर में जैसा मिरर मिलता है वैसा ही मिरर दिया गया है। अभी चलिए मिलते हैं आप लोगों से गोप्रो मोड पे। ओके तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ गोप्रो मोड पे, और मेरे सामने आप देख पा रहे हो दिस इज़ द न्यू 2023 होंडा डियो डिलक्स वेरिएंट, और ये मैट एक्सिस ग्रे कलर आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो एक बार चलिए इसका छोटा सा एक राइड करते हैं, राइड करके देखते हैं ये स्कूटर पहले से कितना ज़्यादा रिफाइन हुआ है। एक बार स्टार्ट करते हैं।
एग्जॉस्ट नोट आपको मैं सुना दिया। अभी चलिए इसको एक बार राइड करते, छोटा सा एक राइड रिव्यू करेंगे। ओके, ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है तो उतना ज़्यादा डर नहीं है। 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। वाह 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 भाई वाह, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले से। लाइक स्कूटर स्टार्ट है, स्कूटर चल रहा है, ये सिर्फ जार्क से पता चल रहा है। मतलब ये स्कूटर का शॉकर आपको पता है थोड़ा सा स्टिफ होता है, तो ये जार्क से पता चल रहा है। नॉर्मली स्कूटर में वाइब्रेशन एकदम नहीं है, एकदम वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब ये चल रहा है उतना ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा सा खींच के देख लेते। ओके ओके, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पावर नहीं है, एकदम लीनियर पावर है, एकदम ही लीनियर पावर है। बट ओवरऑल लेग स्पेस की बात करें तो काफ़ी तगड़ा सा लेग स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ से एक बार यू टर्न टेस्ट भी करके देख लेते हैं। एकदम एकदम छोटा सा जगह पे ये स्कूटर घूम सकता है। अच्छा, इंजन के बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया, बहुत ज़्यादा रिफाइन है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत हाई पिकअप नहीं है, लाइक एंटॉर्च जैसा हाई पिकअप नहीं है। 110 सीसी का स्कूटर है, एकदम लीनियर पावर है। 9.03 Nm का टॉर्क मिलता है, टॉर्क जो है आपको ज़्यादा मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेकिंग सेटअप की अगर बात करें तो ऑल ड्रम ब्रेक सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एक बार मैं आपको रियर ब्रेक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। ये देखिए, ये देखिए भाई, मतलब स्कूटर स्किट नहीं होगा क्योंकि रियर ब्रेक में आपका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। मतलब रियर ब्रेक जब आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका फ्रंट ब्रेक भी जो है ऑटोमेटिक इंगेज हो रहा है, इसलिए आपका स्कूटर जो है जल्दी से स्किड नहीं होगा। और एक बार फ्रंट ब्रेक दबा के देख लेते हैं। फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक से और भी ज़्यादा बाइटी है, ड्रम ब्रेक है बट तब भी फ्रंट ब्रेक जो है और भी ज़्यादा बाइटी है। ब्रेकिंग भी सही है 110 सीसी वाइज। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख पा रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्चुअली आपको यहाँ पे नया मिलता है। ग्राजिया का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है। इधर आपको टैकोमीटर दिख रहा होगा, इधर आपका रेंज वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्चुअली पूरा धूप में विजिबल रहता है। लाइक धूप अभी तब भी सही है बट ये पूरा विजिबल है। आई गेस गोप्रो पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये जो है प्रॉपर विजिबल है। और हैंडल बार भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप स्कूटर को राइड करोगे। तो कोई भी लेडीज़ भी स्कूटर को आराम से चला सकते हैं। 765 mm इसका सीट हाइट है, तो लो से लो राइडर भी इसको चला सकते हैं। लाइक आपका हाइट अगर 5'2" भी है, 5'3" भी है, तब भी स्कूटर को आप डेफिनेटली चला पाओगे। सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो सीट भी कंफर्टेबल है, सिटी में आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से स्कूटर को राइड कर सकते हो। ये स्टॉक सीट पे मीडियम सॉफ्ट सीट सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीफर साइड है, मीडियम सॉफ्ट एक्चुअली है। और जो भी स्कूटर लाइक 125 सीसी या फिर 110 सीसी सेगमेंट में जो भी स्कूटर आता है, सभी का जो सस्पेंशन सेटअप है ऑलमोस्ट सेम ट्यून किया रहता है, थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट रहता है। ये बाइक की तरफ उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं रहता है इनका सस्पेंशन पे, बट कंफर्टेबल है एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और फ्रंट सस्पेंशन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट रियर जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट देखने को मिलता है। और इसमें साइस्टेन विथ साइस्टेन इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो आपको अलग से एक्सेसरीज के दौरान लेना पड़ता है। और इसका मिरर से भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाता है, लाइक पीछे में कौन आ रहा है या फिर कौन सा बाइक या फिर कार आ रहा है, प्रॉपर विजिबिलिटी जो है आपको इस मिरर से मिल जाता है। 103 kg वेट है, काफ़ी लाइट वेट स्कूटर है, एकदम फील नहीं होता है इसका वेट। साइज 10 तो आपको एक्सेसरीज के दौरान लगवाना पड़ता है। 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बाकी ओवरऑल लाइट सेटअप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिन के टाइम पे अभी आपको क्या ही दिखाऊँ। लाइट सेटअप ये आप देख पा रहे हो इसका लाइटिंग थ्रो। ओवरऑल स्कूटर जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।